का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका का जो मुद्दा है वो हाल ही में जो प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 125 यूनिट बिजली की जो सब्सिडी थी हिमाचल को दी गई उसे खत्म कर दिया गया है, उस संदर्भ में आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जिन गारंटियों के नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई थी वो सभी अब हवा हवाई बातें और एक सफेद झूठ नजर आ रहा है। गारंटी शब्द आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टोस थे, गारंटी वर्ड इन लोगों ने वहां से कॉपी किया और उन गारंटी 10 गारंटियों के सिर पर इन लोगों ने प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना के सरकार बना ली। 1.5 साल हो चुका है, गारंटियों के नाम पर मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि घोषणा पत्र अलग चीज होती है और गारंटी पत्र अलग चीज होती है। जुमलों पर जुमले दे रही है प्रदेश सरकार और किसी भी तरह से किसी भी गारंटी को पूरा करने में पूरी पूर्णतः ये विफल रही है। एक के बाद एक 10 गारंटियां इन्होंने बोली थी, सबकी सब जनता के जहन में है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने 1500 रुपये प्रदेश की जो बेटियां हैं उन्हें देने की बात की थी। काफी देर बाद वो मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन हम प्रदेश की जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि उस पर भी भरोसा ना किया जाए। हम प्रदेश के कर्मचारियों को भी ये बताना चाहते हैं कि ओपीएस का भी जो जुमला इन्होंने आपको दिया है वो भी बहुत विलंबित रहा है और उस पर भी हम प्रदेश के कर्मचारियों को ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को तैयार रखें, आप ओपीएस से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट बंद करते हुए, सब्सिडी को खत्म करते हुए ये कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमजोर है। तो प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ये जान ले, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो 1500 रुपये प्रति माह किसी महिला को कैसे दिए जा सकते हैं, या ओपीएस के दायरे में जो है वो कर्मचारी वर्ग कैसे आ सकता है जबकि खजाना ही खाली है। तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 1.5 वर्षों में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ना ही कोई नौकरियों के नाम पर भी बहुत बड़े जुमले, 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन 1.5 साल हो गया। ये पहली सरकार ऐसी है जो बैनर्स लगवाती है ये लिखवा के कि हम कुछ समय बाद इतनी पोस्टें निकाल लेंगे। ये पहली सरकार ऐसी देखी है जो पोस्टें देने, नौकरियां देने से पहले ये बताती है कि हम देंगे, लेकिन वो धरातल पर वैसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिकली फेलियर हो चुका है, जबकि सरकार, कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई वेंचर, कोई भी ऐसी ऐसा कोई नया कोई काम प्रदेश में इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई नौकरियां नहीं दी, फिर खजाना खाली कैसे हो गया। इकोनॉमिकली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और हमें नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदेश में सरकार चलाने में सक्षम है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपने ये कहा कि 125 यूनिट पे आपने अपना रोष व्यक्त किया है, तो प्रदेश में तो आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, चुनावी गठबंधन, तो उस पे आप क्या कहेंगे? अब वो गठबंधन रहेगा या टूटेगा? देखिए, आम चुनाव में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा, परंतु जैसे ही आम चुनाव खत्म हुआ जून में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जल संकट आया। जल संकट को फोकस करके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया भाजपा से भी पहले। तो दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस है वो पहले ही ये साबित कर चुकी है ऑफिशियली कि गठबंधन टूट चुका है। आज आप सबके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हम औपचारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस गठबंधन को खत्म बताते हैं।